असल दोस्तों आपके अपने चैनल पे देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बरए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके दोस्तों रॉड की लंबाई मोटाई सख्ती और ताकत के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से रॉड की तमाम तर ब्लॉक रगें खुलती हैं बेजान जान रगों में जान पैदा होती है रॉड के पटे मजबूत होते हैं रॉड में लंबाई और मोटाई आती है इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड के तमाम तर नकाइज का अज़ाला होता है बहुत ही आला बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है और इसका क्या इस्तेमाल है ये मुकम्मल तरीका कर मैं आपको बताऊंगा लेकिन ऐसे तमाम तर अफराज जिनके रॉड में सख्ती नहीं आती इंतशार मुकम्मल नहीं आता बीवी के पास जाते हैं इंतजार टूट जाता है रगे ब्लॉक हो गई हैं पट्टे कमज़ोर हैं उनके लिए नुस्खा बहुत ही आला बहुत ही ज़बरदस्त है नुस्खा क्या है चलिए शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है सीता सुपारी ये सीता सुपारी है ये देखें ये सीता सुपारी है इसका हमने इसमें, इसमें इस्तेमाल करना है एक तोला हमने इसके ऊपर हल्की सी चोट लगा के इसके ऊपर के छिलके उतार के फेंक देने हैं और इसके अंदर से मगज़ लेना है हमने एक तोला ठीक है उसके बाद ज़ाफ़रान हमें चाहिए होगी ज़ाफ़रान का हमने इसमें इस्तेमाल करना है छः ग्राम जायफल हमें चाहिए इसमें दो तोला जायफल के भी मगज़े जायफल लेना है हमने ऊपर का छिलका उतार के इसका फेंक देना है आपने जायफल सीता सुपारी और ज़रान को ज़ोरदार हाथों से खरल करना है ठीक है पहले जब अच्छी तरह से ये ज़ोरदार हाथों से खरल हो जाएँ तब आपने इसके अंदर रोगने बेर बूटी तीस ग्राम डालना है ये रोगने बेर बूटी है ये आप तीस ग्राम इसके अंदर शामिल करेंगे ठीक है तीस का शामिल करके आपने आधे घंटे तक इसको खरल करना है उसके बाद हमें चाहिए होगा पचास ग्राम रोगने ज़ैतून ख़ालिस ठीक है इसको हमने कढ़ाई में डालना है कढ़ाई में डालने के बाद ये तमाम मुरक्कब भी हमने कढ़ाई में डाल देना है और इसको चूल्हे के पे ऊपर रख के हल्की आंच पर कम से कम भी डेढ़ घंटे तक पकाना है हल्की आंच पर पकाएं और इसे मुतवातिर हिलाते रहें जब यह डेढ़ घंटा मुकम्मल हल्की आंच पर पक जाए ठीक है तब आप चूल्हे की आग को बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दें जब तेल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए इसको छान पुन कर आप महफूज कर लें और रोज़ाना रात को इसका इस्तेमाल करें ठीक है रॉड को पहले अच्छी तरह से धो लें धोने के बाद किसी खुरदरे कपड़े से रख लें जब रॉड सुर्ख हो जाए ठीक है उसके बाद इसके दस कतरे की आपने ऊपर और साइडों पर मालिश करनी है इसकी मालिश से रॉड में लंबाई पैदा होती है रॉड मोटा होता है रॉड में सख्ती आती है बहुत ही आला बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड की तमाम तर जो है नकाइस का अजाला होता है रोड लंबा मोटा फरबा होता है वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़